सलामकुम, मैं एसपी ऑपरेशन शाहदरा एहसान शाह। मेरे साथ मेरी टीम बैठी है शाहदरा टाउन की, जो कि शाहदरा सर्कल का ही एक काम है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आप लोग या मधु करने का मकसद ये है कि रात शाहदरा टाउन पुलिस ने कार्रवाई की, जैसे मुंशिया की एक बहुत बड़ी हमने एक पूरा सा पैकेज पकड़ा है, जो कि तकरीबन एक मंथ से ज्यादा और 40 केजी इसमें चर्स है और उसके साथ साथ 3 केजी इसमें अफीम है। पहले से हमने रेड्स भी किए, काफी कंटिन्यूअसली हम कर भी रहे, अपनी इंफॉर्मेशन भी इंटेलिजेंस गैदरिंग के थ्रू भी डिफरेंट हमारे टीम के साथ, सीआईए के साथ, बाकी जो हमारी बॉडीज है उनके साथ काम भी कर रहे हैं। ये जो ये हमने ये पूरा एक पैकेज पकड़ा है, इसका ये था कि हमें टिप मिली थी, जैसे मंशियात फरोज बड़े वेल स्टेब्लिश एक मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहे होते हैं, उसी तरह हमें भी एक टिप मिली थी कि ये नेटवर्क जो चल रहा है पिशावर से होके आता है और अब्दुल मालिक इंटरचेंज पे ये उतरता है, फिर यहाँ से वो या इनको हैंड ओवर कर देता है, फिर वो ये आगे से फर्दर लाहौर शेखुपुरा कसूर ये सप्लाई करता है। इसी तरह ये जो हमने पकड़ा है इसमें आप देख सकते हैं कि ये पैकेजेस चूंकि अभी ये चूंकि चेन ऑफ कस्टडी की वजह से सील हो गए, इनमें बाकायदा कोड लगे हुए थे। कोड ये थे कि शेखुपुरा के अपना एक कोड था कि ये पैकेज शेखुपुरा जाएगा, कसूर के अपने कोड लगे हुए थे और इसी तरह लाहौर के अपने कोड थे कि ये पैकेज उधर जाने थे। अब इनको हमने पकड़ा कैसे, हमें ये टिप थी कि ये मोटरवे से ऑल थ्रू उतर के जैसे यहाँ पे आते हैं यहाँ पे ये हैंड ओवर करते हैं ये सारा माल एक दूसरी पार्टी को, जो बेसिकली है मोहम्मद असगर, उनका बेटा फैसल और शादरा बीबी। ये बेसिकली क्या करते हैं, चिंची रिक्शे पे बैठ के अपने साथ चूंकि खवातीन को बिठा देते हैं ताकि किसी को शक ना हो इन पे, कोई पुलिस वाला इनको रोके ना, तो उस वजह से ये साथ ही हुआ था। हमें ये था कि ये रिक्शे या किसी और चीज पे ये कार्रवाई करेंगे, तो ये जैसे ही हमने नाकाबंदी वाला लगाई हुई थी, ये थी काला हताई रोड पे, इधर हमने अपनी नाकाबंदी लगाई थी और हमने 2-3 घंटे से कंटिन्यूसली चेकिंग चल रही थी, तब जाके जब इनको पकड़ा तो सीट के नीचे से ये पूरी ये सारा कैप इनका पड़ा हुआ था।